हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूं आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज की वीडियो काफी यूनिक है गाइस, और आज ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स लेके आऊं ना गाइस, ऐसी इस ज्योमेट्री बॉक्स की आज तक यूट्यूब पे किसी भी यूट्यूबर ने अनबॉक्स नहीं किया है गाइस, और आपको 100% ये ज्योमेट्री बॉक्स अच्छी लगने वाली है गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक, और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगे तो कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर। फटाफट अनबॉक्स करता हूं और दिखाता हूं ये डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स। दोस्तों ये काफी अमेजिंग और काफी लंबी ज्योमेट्री बॉक्स है, इसे मैंने परचेज करी है, मेरी इधर एक शॉप है, उस शॉप से मैंने ज्योमेट्री बॉक्स को परचेज करी है केवल 150 रुपीस की गाइस। तो चलो फटाफट दिखाता हूं। तो आप देखो डोरेमोन की फोटो छपी है दोस्तों, और इसमें मिलते हैं हमें 1 2 3 4 5 बटन मिल जाते हैं दोस्तों। पांचों बटन के कलर बिल्कुल डिफरेंट योर अलग अलग कलर है आप देखो दोस्तों, और बैक साइड में भी हमें डोरेमोन की फोटो देखने को मिल जाती है। तो फटाफट मैं दिखाता हूँ पांचों बटन का यूज क्या है। तो पांचों बटन को पहले दबाते हैं गाइस, पहले बटन को जो येलो कलर का है दोस्तों, पहले बटन को दबाया तो पहले बटन को दबाते ये देखो दोस्तों एक काफी गजब का शार्पनर नीचे से ऊपर आया। चलो सेकंड बटन को दबाते हैं जिसका कलर है ग्रीन, ग्रीन कलर के बटन को दबाते हैं तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर से निकलता है एक कैलेंडर दोस्तों, काफी अमेजिंग। और कैलेंडर दोस्तों हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता, और दोस्तों सबसे अच्छी बात है दोस्तों हम इस कैलेंडर को मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों काफी अमेजिंग है, नीचे व्हील मिले हैं दोस्तों, इन व्हील को घुमाएंगे और डेट और टाइम सब चेंज हो जाएगा दोस्तों, काफी अमेजिंग है दोस्तों। चलो तीसरे बटन को दबाते हैं, तीसरे बटन को दबाते ही देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तीसरे रेड बटन को दबाते ये तो ये देखो दोस्तों यहाँ एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हम अपना कुछ भी स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। तीसरे बटन को दबाने पर ये वाला कंपार्टमेंट निकलता है। चलो चौथे बटन को दबाते, चौथे बटन को दबाने पर देखते क्या होता है। चौथे बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों इसमें हमें मिलता है एक थर्मामीटर, यार वाओ काफी अमेजिंग यार, काफी जबरदस्त। पिंक बटन को दबाया थर्मामीटर मिला। चलो ब्लू बटन को दबाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ब्लू बटन दबाते ये देखो दोस्तों क्या होगा। ब्लू बटन दबाया और यहाँ देखो दोस्तों एक कंपार्टमेंट निकलता है, काफी जबरदस्त और काफी बड़ा कंपार्टमेंट मिलता है दोस्तों। और इसके अंदर गाइस हमें एक पेंसिल लॉक मिलता है, जिसमें हम 1 2 3 4 5 पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं दोस्तों, काफी अमेजिंग है। चलो इसे बंद करते हैं और ढक्कन ओपन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ढक्कन ओपन करते ही गाइस ये वाला कंपार्टमेंट हमें दिखता है गाइस, और गाइस हमें इस तरह यूज कर सकते हैं। जब हमें इस ढक्कन को ओपन नहीं करना तो इस बटन को दबाएंगे तो ये देखो दोस्तों ये कंपार्टमेंट बिल्कुल स्लाइड हो जाएगा काफी अच्छे तरह से गाइस, और काफी अच्छा स्पेस भी मिल जाता है, और इस जगह भी हम अपना कुछ भी स्टडी मटेरियल रख सकते हैं दोस्तों। और गाइस इसमें हमें दो दो मैग्नेट मिलती है काफी अमेजिंग, जिससे हमें इस ढक्कन को खोलने बंद करने में ज्यादा परेशानी ना होगा। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं तो ये देखो दोस्तों बैक साइड के ढक्कन ओपन किया तो इस वाले कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और काफी सारा स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा दोस्तों हमारे इस कंपार्टमेंट में। तो दोस्तों ये थी गाइस हमारी ड्राई टच पेंसिल केस गाइस, ये डोरेमोन की कैसी लगी तो प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक। एक बार फिर से दिखा देता हूं इसकी, पहले मोटाई देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है, कितनी अमेजिंग है। इसके साइज की बात करें तो साइज देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त, कितनी अमेजिंग साइज की ये पेंसिल बॉक्स है दोस्तों। और दोस्तों ये पेंसिल बॉक्स कैसी लगी प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ज्यादा अच्छी लगी तो वीडियो तो इस वीडियो को कर देना अपने दोस्तों का शेयर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से ज्योमेट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।